वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी की अध्यक्षता में नवी दिल्ली में योजायेली नीति आयोग की सातमी गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल सहभागी थया हता अने राज्यनी प्रभावक विकास गाथा प्रस्तुत करी हती। पूर्णविराम मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले देश में विकास अने सुशासनना रोल मॉडल तरीकेनु गुजरातनु स्थान यथावत जाळवी राखवाना संकल्प साथे आगळ वधवानी प्रतिबद्धता दर्शावी हती। पूर्णविराम वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदीए कंडारेला विकास मार्गनु गुजरात सतत अनुसरण करी रह्यु छे। पेरेग्राफ मुख्यमंत्री श्रीए खास करीने सुशासन शहरी विकास अने कृषि विकास तथा शिक्षण क्षेत्रे गुजरातनी सिद्धिओ अने अग्रेसरतानु विवरण बैठक में उपस्थित अन्य राज्यना मुख्यमंत्रीश्रीओ केन्द्रीय मंत्रीश्रीओ अने नीति आयोगना सदस्यों समक्ष कर्यु हतु। पेरेग्राफ श्री भूपेन्द्र भाई पटेले जणाव्युं हतुं के भारत सरकारे बहार पाडेला विविध इंडेक्सो थकी विविध केटेगरीमां गुजराते प्रथम स्थान अंकित कर्युं छे। पूर्णविराम वडाप्रधानश्रीना सतत मार्गदर्शनमां गुजराते गिफ्ट सीटी तेमज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जेवी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओथी विकासनी नवी ऊंचाई आंबी छे। पेरेग्राफ तेमणे आ अंगेनी विगतो आपता उमेर्युं हतुं के शहेरोना झड़पी विकास माटे राज्य सरकारे सुआयोजित शहरी विकास तेमज नागरिकलक्षी शासन माटे विविध कल्याण योजनाओने टोच अग्रता आपेली छे। पूर्णविराम शहेरना विविध भागोमां आयोजनबद्ध विकास माटे त्रिस्तरीय शहरी विकास रोडमेप तैयार करवामां आव्यो छे, तेनी भूमिका मुख्यमंत्रीश्रीए रजू करी हती। पेरेग्राफ गुजरातमां 900 वधु टाउन प्लानिंग स्कीमनुं काम पूर्ण थई गयुं छे तेम जणावी मुख्यमंत्रीश्रीए जणाव्युं हतुं के गुजरातमां फ्यूचरिस्टिक सिटीनी जे परिकल्पना वडाप्रधानश्रीए आपेली छे तेने सुसंगत आयोजनबद्ध शहरी नियोजन द्वारा गिफ्ट सीटी देशना मुख्य नाणाकीय अने आर्थिक गतिविधिओना केन्द्र तरीके उभरी आव्यु छे। पूर्णविराम समग्र राज्यमां एक समान बिल्डिंग बने ते माटे GDCR अमली बनावामां आवेलो छे। वधुमां तेमणे उमेर्यु हतुं के शहेरोमां स्लम रीडेवलपमेंटने पण प्राथमिकता आपीने राज्य सरकारे 166 स्लम्समां 59,000 आवासोनुं निर्माण कार्य झड़पभेर हाथ धर्युं छे अने 7800 युनिटनुं रीडेवलपमेंट काम तो पूरुं पण થઈ ગયું છે। પૂર્ણવિરામ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતમાં કૃષિ વૈવિધ્યકરણ અન્વયે જે સિદ્ધિઓ હાંસલ કરવામાં આવી હતી તેની પણ વિસ્તૃત છણાવટ નીતિ આયોગની આ બેઠકમાં કરી હતી। પૂર્ણવિરામ ગુજરાત આજે કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની સાથોસાથ પશુપાલન અને દૂધ ઉત્પાદનમાં પણ દેશના અગ્રેસર રાજ્યો પૈકીનું એક છે। પૂર્ણવિરામ